तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि किस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी और आपने किस लेवल का कोड सबमिट किया था। तो आपको ऐसा पता है क्या किसी टीम के साथ ऐसा हो जिन्होंने प्रोडक्ट भी बनाया हो, प्रेजेंटेशन भी अच्छे से बनाई हो और उनका सिलेक्शन ना हुआ? एक्चुअली हुआ था ऐसा। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप दो बार पार्टिसिपेट किए, एक बार फाइनल्स में भी गए हो आप। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और ऑल इन ऑल आप क्या एडवाइस दोगे स्टूडेंट्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? फ्लिपकार्ट दे रही है 32 लाख रुपीज का CTC एंड 1 लाख रुपीज का स्टाइपेंड उनके हायरिंग चैलेंज ग्रेड 6.2 से। इस पर्टिकुलर चैलेंज में लाखों बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं और काफी दिन बचे हैं अभी और रजिस्ट्रेशन में। बट ये वीडियो आपको बता रहा होगा कि कैसे आप फाइनल्स तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप बाकी टीम के साथ कम्पीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, रिसोर्सेज क्या होंगे फ्रॉम शशांक, बिकॉज शशांक वो अपने बारे में बताएंगे उन्हें कितनी बार पार्टिसिपेट किया है, कहां तक पहुंचे हैं वो फ्लिपकार्ट ग्रिड में प्रीवियस ईयर्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अमेजिंग पॉडकास्ट विद शशांक। ओवर टू यू शशांक। थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम कुशल। आई एम शशांक मिश्रा एंड आई एम अ 2024 ग्रेजुएट इन बीटेक सीएसई फ्रॉम IIIT कोटा। आई हैव रिसेंटली जॉइंड नीलसन एज एन MTS 1 and like in my colleges I was also like very engaged in participating in coding challenges or hackathons of all sorts. So like the farthest actually that me and my team got in a hackathon was actually Flipkart Grid 4.0 that held in 2022, and we were among the top 9 teams that made it to the grand finale of the Flipkart Grid 4.0 out of a total pool of I guess 1.5 lakh teams. Wow. तो जितना मैंने देखा है ना रिजान कि लाखों बच्चे इस पर्टिकुलर यू नो प्रोग्राम और हायरिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम सारी चीजें जानते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, वो है एलिजिबिलिटी कि क्योंकि इतने सारे राउंड्स आए हैं स्टूडेंट्स के कि कॉलेज स्टूडेंट हैं हम बट BCA परस्यू कर रहे हैं, MCA परस्यू कर रहे हैं या BSc परस्यू कर रहे हैं, तो आर वी एलिजिबल और नॉट? हां, सो फॉर एलिजिबिलिटी लाइक फॉर ऑल बैचलर कोर्सेज यू आर एक्चुअली एलिजिबल. Even if you are in first year all the way to fourth year, all the years are eligible to participate. Got personally it. Like मैंने second year and third year में participate किया था। Okay, आपने second year और third year में किया था, तो जितने भी बच्चे हैं जिनको doubt था कि हम BCA से हैं, MCA से हैं, वो भी जाके participate कर सकते हैं। और जो इसकी मतलब कौन कौन सी teams, मतलब और क्या rules थे कि एक ही college की teams बनानी है, कितने लोगों की team बनानी है, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? Right. So टीम्स पे रेस्ट्रिक्शन कॉलेज का होता है कि लाइक योर टीम शुड बी ऑफ द सेम कॉलेज। आप अलग अलग ईयर्स के हो सकते हो बट आपका कॉलेज सेम होना चाहिए, एंड देयर इज नो नेसेसिटी लाइक इट्स नॉट कंपलसरी टू मेक अ टीम। इवन इफ यू आर लाइक इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इंडिविजुअली यू कैन एक्चुअली डू दैट। गॉट इट। सो पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इंडिविजुअली, एक सिंगल मेंबर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दूसरी बात, इस बार ये इनमें रूल रख दिया है कि क्रॉस बैच, तो क्रॉस कॉलेज भी अलाउड है, क्रॉस कैंपस अलाउड है इस बार। तो इस बार दूसरे कॉलेजेस के बच्चों के साथ भी आप टीम बना सकते हो। ग्रेट। तो अच्छा ठीक है, हम अब प्रोसेस से शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द हायरिंग प्रोसेस आपके टाइम पे क्या था? और मैंने इस बार का पूरा प्रोसेस देख लिया है, तो आई विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि उस टाइम क्या था, इस बार क्या था। How was the hiring process at your right? Time? So for the software challenge itself, 3 rounds थे total में। First हमारा quiz round था जो कि tech quiz और e-commerce quiz, like the name they call it। And second था हमारा submission round जिधर हमें 3 problem statements मिले थे, and हमें उनमें से कोई एक choose करना था depending upon our interests, and उस एक problem statement पे हमें अब एक solution build करना था। Got it. तो इस बार भी सेम ही राउंड्स है, 3 tracks है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स। उसमें से आपका पहला राउंड होगा ई-कॉमर्स एंड क्विज का। तो इस क्विज में ही मेजर डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं बच्चे। तो इस क्विज के बारे में थोड़ा बताओ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है, किस बेसिस पे लोग क्लियर कर सकते हैं सब। तो लाइक क्विज में लाइक द ई-कॉमर्स ट्रिविया पोर्शन ऑफ द क्विज इज बेसिकली some knowledge about Flipkart as a company, right? And the tech portion of the quiz covers your basic CSA and computer science fundamentals. Computer science fundamentals में आप आपका OOPS आ जाता है, operating system and DBMS. So अगर आप अपने DSA basics clear कर लो and
अपने ये CS fundamental subjects revise कर लो तो you'll be good for the quiz. Okay. तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे को देखो वो resource देते हैं कि Flipkart का stories का एक blog है वो जाके पढ़ लो तो आपका e-commerce side का trivia clear हो जाएगा मैं बोल सकता हूँ. हाँ like हमने भी वही किया था, we actually didn't know कि like e-commerce trivia से related और क्या पढ़ सकते हैं, तो that was actually enough for us. ओके गॉट इट. तो एक बार तो कितने क्वेश्चंस आते हैं और सीएस फंडामेंटल्स में भी किस लेवल का होता है, डिफिकल्टी होता है और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो यू विल बी एबल टू. ओके सो लाइक द टोटल क्विज वाज फॉर 30 मिनट्स हमारे टाइम पे भी लाइक दिस ईयर टू आई गेस इट्स द सेम. एंड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं होती, लाइक कुछ पेक्यूलियर क्वेश्चंस पूछते हैं बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं. और कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आर बेसिक मोस्टली रिगार्डिंग लाइक यू हैव टू फाइंड द आउटपुट फॉर अ गिवन कोड स्निपेट थिंग्स लाइक दैट. और सीएस फंडामेंटल्स में योर ओएस डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं. सो एक्चुअली ऑप्शंस काफी हेल्प करते हैं. इफ इवन इफ यू कांट कवर एवरीथिंग आई वुड सजेस्ट कि यू एक्चुअली गो थ्रू द एंटायर सिलेबस एटलीस्ट वंस सो दैट यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज द ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन. Got it. तो अगर तीन लोगों की टीम है तो तीनों को क्विज देना पड़ता है, सिर्फ पूरी टीम मिलाकर एक ही बार देती है? हाँ, so on that, like, हमारे टाइम पे actually only one of my team members gave the quiz. So like shout out to my team members Aditya and Aman were there alongside me. And Aman actually gave the quiz. हमने अमन के क्विज के बाद actually we spoke to him. हमने उससे पूछा कि क्विज कैसा गया. He said the quiz went very well. तो लाइक क्योंकि एवरेज लेना होता है तो वी एक्चुअली डिडंट गिव द टू ऑफ अस क्विज आवरसेल्व्स बिकॉज अगर अमन का क्विज अच्छा गया था तो वी चोज टू लाइक कीप द एवरेज हाई. अच्छा मतलब ऐसा सीन होता है कि तीनों मेंबर्स में से जो आपका एवरेज स्पीड एवरेज टाइम उसी बेसिस पे रैंकिंग होती है. हाँ एवरेज स्कोर जो आता है वही कंसिडर किया जाता है. तो क्योंकि अमन का अच्छा गया था तो वी एक्चुअली ट्रस्टेड अमन. इंडिविजुअल अच्छा करोगे तो एवरेज बढ़ेगा ही बट या टीम लेवल का गेम है तो एवरेज किया जाएगा जितने ज्यादा लोग दोगे उनका. ओके ये चीज हो गई. अब हमारा आता है सेकंड राउंड जो कि होता है कि सबमिशन राउंड जिसे हम कहते हैं जिसमें आइडिएशन भी होता है और प्रोजेक्ट आपको कोड सबमिशन भी करना पड़ता है फंक्शनल प्रोटोटाइप बेसिकली. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि किस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी और आपने किस लेवल का कोड सबमिट किया था. ओके सो हमारे टाइम पर लाइक 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी. एंड फर्स्ट प्रॉब्लम एक ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. यू हैड टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 to come up with the solution. Second one was related to metaverse because us time metaverse was on the hype recently. Meta ne like pitch note wagera rakha tha. So the second problem was of metaverse. Third problem was of social media trend extraction. So like analyzing trends that are going on in social media and you had to analyze those trends and recommend products according to those things. So humne personally this third one choose kiya tha because hamare team mein kisi ko blockchain का नॉलेज था नहीं एंड मेटावर्स वाज लाइक वी थॉट इट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड. सो दिस वाज प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी कुड एक्चुअली ब्रेक डाउन टू इनटू फंक्शनल एक्शनेबल स्टेप्स. सो वी चोज दिस वन द सोशल मीडिया ट्रेंड एक्सट्रैक्शन. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट ने वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है जो कि उनको भी फ्यूचर में काम आ सके. आई गेस उनका इंटेंट ये होता है कि वो ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके स्टूडेंट से जो उनको फ्यूचर में काम आ सके. एंड तो आपको आपने ये कौन से ईयर में था, आपने दो बार पार्टिसिपेट किया तो दोनों बार क्या-क्या प्रॉब्लम सेट या एक साल में हो गई? तो हां दिस वाज फॉर लाइक सेकंड ईयर Flipkart ग्रिड 4.0 में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी. 5.0 में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी वो मोस्टली रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड एक प्रॉब्लम था वेब 3 पे भी बट दो प्रॉब्लम्स जो थे वो मोस्टली एक रिकमेंडेशन सिस्टम पे था एंड एक I don't remember the second one, but वो भी कोई AI से related problem था. अच्छा, तो एक बात बताओ कि जब ये project submission में आपने क्या-क्या मतलब पूरा functional prototype बना दिया था, where end to end आपको मिल रहा था सारा result, किस level का आपने बनाया था?
हमने कई सारी चीजें ट्राई आउट की थी, बहुत सारी चीजें एक्चुअली काम नहीं करी थी, एंड फाइनली लाइक द प्रोडक्ट दैट वी डेवलप्ड वाज नॉट लाइक व्हाट वी एक्सपेक्टेड इनिशियली, बिकॉज हम कुछ चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए थे क्योंकि वो कुछ चीजें फेल हो गई थी. बट व्हाट वी डिड विच वॉज एसेंशियल एक्चुअली was we actually completed the product and made sure what all features we had added, those actually work. That is actually very important. Okay. Because like the humne jo, we actually made an Android app, so the app that we submitted, that was actually runnable. You could download it, you could install it in your phone, and you could actually run it. And demo video mein bhi humne acche se explain kiya tha ki like the app actually works. The entire idea of your solution working actually has a great impact, because most of the students बहुत काम करते हैं but finally वो submit ही नहीं करते क्योंकि वो finish up नहीं कर पाते time में. तो even if you can't manage time, make sure कि initial set of features you could finish and submit something. तो apparently सबके लिए यही एक guide होगी कि कोशिश करो कि features जो है वो minimal रखो, because आपके कितना टाइम होता है वैसे इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप सबमिशन के लिए? सो लाइक हमारे टाइम पे वी वर गिवन 10 days, बट वो एक्सटेंड भी हुआ था क्योंकि लाइक बहुत सारे शायद उनको मेल या कंप्लेंट्स आए होंगे. तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक इनिशियल सेट ऑफ फीचर्स, बेसिक फीचर्स इंप्लीमेंट करो, एंड जो आपके एडवांस्ड फीचर्स है उनको होल्ड पे रखो जस्ट इन केस अगर एक्सटेंड होता है. So you can work on those advanced features if the like submission dates get extended. So make sure करो कि आपका जो पूरा product है with the basic or much needed features वो ready हो जाए जो given timeline है उसी के अंदर, और उसके बाद अगर कोई extension होता है तो आप additional चीजें कर सकते हो. और ये भी make sure करो कि आपके जो features हों वो जो desired problem statement है उसे solve कर रही हों. और वर्किंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्किंग प्रोडक्ट आपका होना चाहिए. स्टैक आई गेस कोई इशू नहीं रखता होगा, कोई भी आप टेक स्टैक यूज कर सकते हो, कोई प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, राइट? ओके ओके. तो आप लोग ने एंड्रॉइड ऐप बनाया था, अब आती बात प्रेजेंटेशन की, जो कि आई गेस फाइनल स्टेप है, राइट? फाइनल स्टेप में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना आइडिया. तो उसमें प्रेजेंटेशन लाइक इवन इन सेकंड राउंड लाइक आपके प्रॉब्लम और डेमो वीडियो के साथ यू हैव टू एक्चुअली सबमिट अ प्रेजेंटेशन टू. ओके, तो आपको ऐसा पता है क्या किसी टीम के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने प्रोडक्ट भी बनाया हो, प्रेजेंटेशन भी अच्छे से बनाई हो और उनका सिलेक्शन ना हुआ? एक्चुअली हुआ था ऐसा, लाइक वो टीम जो लाइक मेरे कॉलेज में भी और टीम्स थी जिन्होंने लाइक दे एक्चुअली वर्क्ड रियली हार्ड एंड द प्रोडक्ट वाज रोबस्ट. But I thought where they actually lagged was ki instead of making the product robust, they should have actually tried to be more creative with it. Like the end result they got up was actually a good software solution. But like on the creativity side of things, it was actually a little bit under the mark. So that's where you should focus initially to come up with creative solutions to the question, because that's what Flipkart is looking for through this challenge. So apparently आपको creative solutions बनाने पड़ेंगे. Definitely solution is needed, but आप जो already existing है market है वैसा ही कुछ बना दोगे तो there is no innovation into it. And that's what they are looking. Right. अगर कोई student जब आपके 10 दिन का development time होता है, वो internet पे obviously internet की access सबके पास है, अगर वो GitHub से कुछ code copy करता है तो मतलब इंस्पिरेशन के लिए से तो वो चीज करी जा सकती है? हाँ, यू कैन एक्चुअली डू दैट. एग्जिस्टिंग मॉडल्स एंड एपीआईज अगर जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं टू सेव टाइम, इवन फ्लिपकार्ट एनकरेजेस यू टू डू दैट, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड दैट यू कांट बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच अप इन दिस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो शशांक, अब बात आती है ग्रैंड फिनाले की. ग्रैंड फिनाले क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें क्या लगता है, व्हाट वुड बी देयर क्राइटेरिया, किस बेसिस पे उन्होंने जज किया होगा और इतनी कम टीम्स को शॉर्टलिस्ट किया होगा? राइट, सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक कितनी इनोवेशन आपने एक्चुअली दिखाई है इन द सॉल्यूशन दैट यू बिल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा, हाउ यू एक्चुअली प्रेजेंट, बिकॉज लाइक इन द सबमिशन एंड डेमो वीडियो यू हैव आल्सो सबमिट अ प्रेजेंटेशन, राइट? So they see like how you present your solution is actually very important, because most of the teams actually submit a generic
presentation which actually does not cover all the aspects of a project like exhaustively. So that is actually very important. And some of the key things you need to touch is like your project architecture, the scalability that you can like perform if the scale of users actually increase. And you should also touch future scope of the project, like what all features can you add if you had if you wanted to improvise on the project. So these three things I think makes the winning teams apart from the generic teams that actually submit their solutions. Got it. So kitni teams qualify hoti hain grand finale ke liye? So in the software development track there were three problem statements, and in each problem statement there are only three finalists. So software development teams had not 19 teams. 19 teams. But you need to make sure it is working and hosted somewhere. Actually, like in the grand finale, when we were presenting, they were asking a lot of teams if their APIs that they are using, like the backend server is hosted somewhere, or the project that they build, the front end is hosted somewhere. So you need to make sure that if you are qualifying to finale, you need to make it like deploy somewhere on the cloud. It is actually bonus points. It's for that. More about ki haan. लाइव होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन फ्रेंडली बना सकते हो, यूजेबल बना सकते हो यूजर के लिए. ये फिनाले ऑफलाइन होता है, ये भी ऑनलाइन होता है? फिनाले इज कंप्लीटली ऑफलाइन. सो वंस यू आर वन ऑफ द फाइनलिस्ट, फ्लिपकार्ट एक्चुअली स्पॉन्सर्स यू द ट्रिप टू बैंगलोर ऑफिस. एवरीथिंग इज कवर्ड एंड द फिनाले हैपेंस इन देयर फ्लिपकार्ट ऑफिस अमंग लाइक फ्लिपकार्ट जूरी पैनल्स. So how was your experience? आप दो बार participate किए, एक बार finals में भी गए हो आप. How was your experience? और all in all आप क्या advice दोगे students को जो participate कर रहे हैं sir? My experience was very enriching. Like making it to the finale meant I got exposure to all the new Flipkart SDE joiners, these industry specialists in software development world, and we could actually connect with them, talk to them. Regarding anything, like even if you want career advices or what you can do to improve or how you can actually crack Flipkart. Also we arrange some referrals also there, so there are a lot of perks to qualifying to finale. And like for advice, I would suggest like firstly practice your DSA concepts. You need to clear the quiz round, that's the first step, right? So make sure your fundamentals are right. And then when you are actually building the solution in the second round, don't overestimate your requirements. Like keep it minimal for the first set of features, and like the advanced or slightly more complex features only add if you have actually completed the first set of features. So that planning is necessary, and that way you can also leverage any extension of the deadline better. Correct. And aapko is particular finale ke baad, since you were not able to get the full-time opportunity, मतलब interview opportunities कब कैसे मिली थी फिर आपको? So क्योंकि आई गेस finalist को मिलती है direct intern or full-time opportunity. So like for in my case, 6-month internship opportunity was supposed to be happening like this January to July, right? But due to some like I don't know if there was not enough opening or something, our interviews got delayed. So I had to appear for the full-time opportunity. So I actually cleared one of the rounds for full-time interview. I got rejected in the second round, unfortunately. Okay, got it. So uske baad aapko dobara se Flipkart ke kuch personal reach outs aaye, because aap pehle alum reh chuke ho us particular challenge ke. Haan, to like because there are many startups under Flipkart, right? So one of the startups under the like manager or some senior software engineer in that startup, I actually connected in Bangalore while I was there for finale, and he actually referred me to like one of the openings, and that referral I couldn't actually
clear the opportunity position itself, but that referral got me an interview, yes. Got it. So, काफी ज़्यादा perks हैं definitely. अच्छा perform करें particular hiring challenge के अंदर, कोई और भी doubts हों please comment them down. Right. और आप connect कर सकते हैं शशांक के साथ, उनके experience को और जान सकते हैं, उनकी LinkedIn ID आपको description में मिल जाएगी. ऐसे और videos के लिए कुशल विजय के channel को follow करें. मिलते हैं ऐसी अगले किसी video में. Thank you, Shashank. Bye-bye. Thank you so much. Take care.